नमस्कार दोस्तों, राजधानी लखनऊ में कानपुर रोड पर हिंद नगर कॉलोनी स्थित सेंट मिराज इंटर कॉलेज के बच्चों ने इस दीपावली पर एक अनोखा संकल्प लिया है कि दिवाली जमकर मनाएंगे लेकिन पटाखे कम चलाएंगे। वहीं सेंट मिराज के एनुअल फंक्शन की तैयारियां भी बहुत तेजी से चल रही हैं और इस बार बहुत कुछ अनोखा एनुअल फंक्शन में देखने को मिलने वाला है। इससे पहले भी हमने आपको खबर दिखाई थी कि किस तरीके से संस्थापक और प्रबंधक विनोद रतला जी ने लिली नाम का एक कंप्यूटर बच्चों से ही बनवाया था। तो इन सब चीजों को लेकर हम विनोद रतला जी से बातचीत करेंगे कि इस बार दिवाली सेलिब्रेशन किस तरीके से हो रहा है, एनुअल फंक्शन किस तरीके से होगा और कंप्यूटर यानी रोबोटिक्स को लेकर के यूपी बोर्ड के एक स्कूल में और कौन सी बड़ी पहल होने वाली है। आइए बातचीत करते हैं विनोद रतला जी से। दीपावली का मौका आ गया है और सेंट मिराज स्कूल में कुछ तैयारियां भी चल रही हैं, तो किस तरीके की सर दीपावली पर तैयारियां? सबसे पहले तो सेंट मिराज इंटर कॉलेज की तरफ से मैं विनोद कुमार रतला प्रबंधक हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। दिवाली का पर्व है, सब मनाते हैं हर्षोल्लास से मनाना चाहिए। पटाखे भी जलाते हैं लोग, भूखते हैं आवाज के। एक अनुरोध करूंगा इस मौके पे, बजाएं लोग लेकिन बहुत धीमी आवाज के, पटाखों से मना नहीं है, पटाखे धीमी आवाज के बजाने चाहिए। आपका काम भी हो जाए, मजा भी आ जाए और वातावरण भी शुभ रहे, ज्यादा छूटता ना पहले। और दिवाली का मौका है, अभी स्कूल एनुअल फंक्शन की तैयारियों में लगा हुआ है, सब बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं अपना, बड़े अच्छे ढंग से प्रिपेयर हुआ। अभी दीपावली का दीपोत्सव मनाया गया था, कोई कार्यक्रम किया था, दीप सजाए गए थे, तो ये प्रोग्राम चल रहे हैं धीरे धीरे, अच्छे चलेंगे। सबको बहुत बहुत दीपावली हार्दिक शुभकामनाएं। दीप जलाए, घर में लाइटें लगाए, पूजन करें, पूजन के समय ध्यान दे, जो अल्पाहार है वो बहुत सूक्ष्म हो, लाइट हो और स्मोक से बचे, जितना वातावरण शुद्ध रहेगा वो ज्यादा अच्छा है, यही सब शुभकामनाएं है। सर रोबोट को लेकर के क्या प्रोग्रेस है, क्योंकि रोबोट लिली स्कूल में काम कर रहा है, उसके बाद रोबोट को लेकर कोई प्रोजेक्ट आगे चलेगा? रोबोट बने हुए टाइम हो गया काफी, मन में उत्साह है, उमंग है, मन ये है यही मेरे बच्चे बनाए, कुछ करिश्मा करें, चाहे कार का रूप दे, चाहे रोबोट नया बनाए, झाड़ू लगाने वाला, पोछा लगाने वाला, प्रयास रखू। अभी कुछ दिन से अभाव हो गया, एग्जाम चल रहे थे इसलिए इसको पेंडिंग कर दिया था। झाड़ू लगाने का, पोछा लगाने का रोबोट हमारा करेगा। इसके बाद कार का ही प्रोग्राम है, अभी मैं देख रहा था एक कार मोटरसाइकिल के पहिए में बनी थी, कार बनी हुई थी, बहुत कम लागत में बनी थी, बनाएंगे देखते हैं। बच्चे लगे हुए हैं, काम बच्चों से कराना है। जैसा आपने बताया कि एनुअल फंक्शन है, तो ये एनुअल फंक्शन कब है और क्या इस बार नया देखने को मिलेगा? एनुअल फंक्शन नया है और एनुअल फंक्शन पे हमें दिखाना है, हर एक प्रदेश की कलाएं दिखाएंगे, भांगड़ा है, तमिलनाडु नृत्य है, बंजारा डांस है, राजस्थानी डांस है और एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है सबसे शुरुआत महाराष्ट्रीय दशभोज गणेश जय देवा, वो लाइव चलेगा, उसके लिए स्पेशल ढोल मंगवाए हैं, बॉम्बे चल चुके, अभी आ रहे हैं ट्रांसपोर्ट से, उस पर प्रैक्टिस कराई जाएगी बच्चों की, बहुत बेहतरीन प्रोग्राम होगा ये। पिछली बार जैसे एनुअल फंक्शन में अभिभावकों को सम्मानित किया गया था, इस तरीके का भी प्रोग्राम होगा? सर्वश्रेष्ठ माँ का सम्मान फलों से तोड़कर किया जाना है, वो प्रत्येक वर्ष किया जाता है, लगभग 25 सालों से परंपरा चली आ रही है, तराजू भी है उसका, देख रहे हैं कैसे करें, चेंज कराएं, कराना है, वो फलों से तोड़ा जाएगा। पुराने बच्चे जो स्कूल के अपने पुराने पढ़ चुके हैं, ओल्ड वाइज मीट भी कही जा रही है, इसमें पुराने बच्चों को बुलाया जाएगा। पिछली बार चीफ गेस्ट हमारे स्कूल की छात्रा जो कि एक डॉक्टर है KGMC में, वो रही थी। इस बार भी कोशिश करें हमारे पूर्व छात्र है, किसी समय एक बच्चा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में, शायद वो आ नहीं पाएगा नवंबर में वो पहले माइक्रोसॉफ्ट में था, वो छोड़ के गूगल फेसबुक में जा चुका है। कोशिश में कोई अच्छे बच्चे मिल जाए जिनको मार्गदर्शन दे सके, बच्चों को और बच्चों को दिला सके। सर दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। तो आप लोग को भी बस विशेष रूप से जहां भी जाइए ये प्रचार जो करिए, पटाखे बहुत धीमी आवाज वाले बजाए और अपने विद्यालय पटाखे न जलाए, क्योंकि ये एक मंदिर है, मंदिर में पटाखे नहीं जलाता कोई, मंदिर को शुभ रखता है, दूषित नहीं करता है, वातावरण दूषित नहीं करेगा, इसलिए पटाखे स्कूल में जलाए। हमारा भी घटना घटती है लेकिन कंट्रोल भी है, इक्का दुक्का बजा देते हैं कोई बात नहीं, हमने भी अपनी चाइल्डहुड बिताई हुई है।
दोस्तों देखा आपने किस तरीके से दिवाली सेलिब्रेशन सेंट मिराज पब्लिक इंटर कॉलेज में किया जा रहा है। एनुअल फंक्शन की तैयारियां भी चल रही हैं और रोबोटिक्स को लेकर के भी विनोद रातला जी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। सेंट मिराज इस तरीके के काम अधिकतर करता रहता है और अधिकतर नेशनल वॉच आपको सेंट मिराज की खबरें दिखाता रहता है। तो दिवाली के मौके पर एक बड़ी पहल है। इसी तरीके से सभी स्कूल के बच्चों को यह संकल्प लेना चाहिए जिससे कि पर्यावरण की रक्षा हो सके और ध्वनि प्रदूषण भी कम मात्रा में फैले। दोस्तों इसी तरीके की महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां देखने के लिए लगातार बने रहिए नेशनल वॉच न्यूज चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।